हेलो एवरीवन, आज लेकर आई हूँ मैं स्पेशल वीडियो, दही से कैसे हम घर पे ही फेशियल कर सकते हैं। दही के हैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। अगर आप शादी पार्टी में जाने वाले हैं या कहीं भी आपको अचानक जाना पड़ जाए और चेहरे पे ग्लो बढ़ाना है तो ये ज़रूर करके देखिए दही से फेशियल। सबसे पहले बाउल में हम एक चम्मच या दो चम्मच दही ले लेंगे, इनफ है इतनी ही। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड कर लिया है हनी। हनी का और दही का ये कॉम्बिनेशन सर्दियों के मौसम के लिए तो बेहतरीन काम करने वाला है। स्किन की चमक तो बढ़ती ही है, साथ में स्किन हमारी टोन हो जाती है, स्किन का ग्लो इतना बढ़ जाता है, चार चांद लग जाते हैं हमारी स्किन पे। हाथों पर भी आप इसे अप्लाई कर सकती हैं। अगर ड्राइनेस की समस्या है, अगर आपके हाथों पे भी ड्राइनेस आ चुकी है, तो आप शहद को और दही को मिक्स करके डेली मसाज कीजिए अपने हाथों की, अपनी स्किन की, कुछ ही दिनों में ड्राइनेस गायब हो जाएगी। आप इसको ओवरनाइट भी फेस पे लगा के छोड़ सकती हैं। दही में लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, अक्सर पार्लर में लैक्टिक एसिड यूज़ किया जाता है हमारी स्किन को चमकाने के लिए। और उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर लिया है विटामिन सी, लेमन जूस की कुछ ड्रॉप्स आपको ऐड कर लेनी है। लेमन जूस भी हमारी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, ब्लीचिंग की प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं लेमन के अंदर। अगर आपको सूट नहीं करता तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। और दही का ये फेशियल आप करके देखना, आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है इसका, क्योंकि मैंने इसको किया है और मुझे भी बहुत ही अच्छी ग्लोइंग स्किन मिली है। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है कुछ ओलिव ऑयल की ड्रॉप्स, आप चाहो तो थोड़ा सा नारियल का तेल भी ऐड कर सकते हैं, या आप चाहो बादाम का तेल ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा नरिशमेंट के लिए, क्योंकि विटामिन ई का अच्छा सोर्स है ओलिव ऑयल, और हमारी स्किन को डीपली नरिश करता है। जितनी भी हमारी स्किन की लेयर्स होती हैं उनको मॉइस्चराइजर करता है ये ओलिव ऑयल। और दही में भी हाइड्रेटिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन पे नमी बना के रखती है, सर्दी के मौसम में लॉक कर देती है हमारी नमी को हमारी स्किन पे, जिससे जो भी सर्दी में हवाएं चलती है उससे हमारी स्किन को डैमेज या नुकसान नहीं होता है। ये पेस्ट बनके अच्छा सा तैयार हो गया है, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये रेडी है मसाज करने के लिए। आप हाथों पर मसाज कीजिए, आप पाँव पर कीजिए, आपके हैंड भी सॉफ्ट हो जाएंगे, आपका फेस भी सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने अपने हैंड पर इसका मसाज कर लिया है और आप देखेंगे, देखो कितना चमक नज़र आ रही है। यही चमक है जो हमारी स्किन की हमें बढ़ानी है सर्दियों के मौसम में। और इस दही के फेशियल को आप ज़रूर ट्राई करना, इतनी चमक बढ़ जाती है स्किन की और स्किन ग्लोइंग हो जाती है, ड्राइनेस का कोई काम नहीं होता। और हमारी स्किन पे जो दाग धब्बे होते हैं लेमन उनको रिड्यूस करने का काम करता है, हमारी स्किन से पिगमेंटेशन भी दूर हो जाती है। उसके बाद आपको फेस वॉश नहीं करना है, अगर आपने चेहरे पे ये पेस्ट अप्लाई कर लिया था फेस वॉश नहीं करना है। उसके बाद जो दही बच गई थी बाउल में, उसमें मैंने आधा चम्मच गेहूं का आटा लिया है जो स्क्रब करेगा हमारी स्किन को अच्छे से और हमारी स्किन को नरिश करने वाला है। उसके बाद मैंने इसमें कुछ ड्रॉप्स गुलाब जल की ऐड कर ली हैं। गुलाब जल एंटी एजिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन को टोन करता है, टाइट करता है गुलाब जल हमारी स्किन को, और हमारी स्किन के नेचुरल जो चमक है उसको इम्प्रूव करता है गुलाब जल। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये एक गाढ़ा सा पेस्ट बनके अप्लाई होने के लिए रेडी हो जाए, गेहूं का आटा भी हमारी स्किन को मॉइस्चराइजिंग करता है, हमारी स्किन को डीपली क्लीन कर देता है गेहूं का आटा, और एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। गेहूं का आटा बहुत ही बेहतरीन है, हर घर में अवेलेबल होता है ईजीली। और आप इसको अच्छे से मिक्स करके जो दही से हमने मसाज की थी उसी के ऊपर, उसको आपको वॉश नहीं करना है, उसी के ऊपर हमें अच्छे से इसको रब करना है। जो भी हमारी स्किन में डेड स्किन है, पोर्स में गंदगी है, वाइट हेड्स हैं, वो सारे इसी पेस्ट से रिमूव होने वाले हैं और हमारी स्किन की चमक बढ़ने वाली है। और हमारी स्किन से जो भी ड्राइनेस है आज वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जो भी होठों के आसपास जो अनइवन टोन होता है, जो डार्क स्किन होती है, उसको भी ये हटाने वाला है हमारा ये गेहूं के आटे का फेस पैक। मैंने गेहूं का आटा अपनी हैंड पे लगा लिया है अच्छे से, इस पेस्ट को मैंने स्क्रब की तरह है इसको मैंने रब किया है एक दो मिनट के लिए, फिर आपको इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। ये अब सूख चुका है,
जब ये सूख जाए तो आपको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है, ज़्यादा पानी गर्म नहीं लेना, ज़्यादा ठंडा भी नहीं लेना। धोने के बाद मेरा हाथ कितना ग्लोइंग और हेल्दी और चमकीला लग रहा है। और इसके बाद मैंने कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया क्योंकि उस टाइम मेरे स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आ चुका था। इस फेशियल को आप वीक में 2 बार ज़रूर ट्राई करें और दही को आप डेली भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही टिप्स के साथ फिर आती हूँ। थैंक यू।